नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बता दें, डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उसकी अध्यक्षता भी करेंगे। बता दें, भारत साल 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर भी और रूस के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे और ऐसे में चीन के राष्ट्रपति भी शामिल हो सकते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे और इस बैठक में अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर भी व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। और बता दें, चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनपिंग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस बार शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बता दें करेंगे और ऐसे में ये अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। और आज ये बैठक जो है वो होने वाली है। पीएमओ ने बताया है कि अपनी अध्यक्षता में भारत ने 4 प्राथमिक क्षेत्रों का खाका तैयार किया है और इन 4 क्षेत्रों में बहुस्तरीय प्रणाली, आतंक विरोध और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी डिजिटल और प्रौद्योगिकी उपायों को भी अपनाना होगा और लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ाना शामिल है। तो यानी कि भारत ने बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, आतंकवाद विरोधी कदम और विकास से जुड़े तमाम चीज़ों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और डिजिटल और प्रौद्योगिकी उपकरणों का भी इस्तेमाल करते हैं और लोगों के बीच जो है संचार को बढ़ाने समेत कई प्राथमिकी वाले 4 क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेता कोविड-19 महामारी के असर और बाकी अन्य वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार साझा करेंगे। वहीं इन क्षेत्रों के अलावा उपस्थित जो हैं लोग रहेंगे, उन्हें महामारी के दुष्प्रभाव और मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान जो है करेंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री दूसरी बार जो होगा ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसके पहले बता दें, साल 2016 में उन्होंने गोवा में शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इस बार भारत उस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है जब ब्रिक्स का 15वां स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है। तो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्रिक्स सम्मेलन का जो है अध्यक्षता करने वाले हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी वीरवार से जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। बता दें, जम्मू एयरपोर्ट पर दोपहर 12:30 बजे के करीब राहुल गांधी पहुंचेंगे और वो सीधे वहां से वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलेंगे। वहीं बता दें कि वो पैदल ही यात्रा मार्ग से माँ के भवन में पहुंचेंगे और रात में रुक कर लाइव आरती में भी शामिल होंगे। वहीं अगले दिन शुक्रवार को सुबह वो जम्मू के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ बता दें, जेके रिजॉर्ट में पार्टी की मजबूती के लिए ही कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरेंगे। वहीं जम्मू और कटरा में राहुल का जोरदार स्वागत किया जाएगा और ऐसे में तैयारियां जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर मामलों की AICC प्रभारी रजनी पाटिल सहित कई अन्य नेताओं की बुधवार राहुल के दौरे को लेकर तैयारियों को लेकर बैठक हुई और इसमें कई समितियों से तैयारियों की समीक्षा भी की गई। ऐसे में दिल्ली से आई सुरक्षा टीम ने भी आयोजन स्थल और कटरा का निरीक्षण किया। वहीं बता दें, राहुल के दौरे से प्रदेश कांग्रेस में एकता भी नजर आएगी और इसमें गुलाम नबी आजाद के खेमे और अन्य नेता के एक साथ राहुल की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जबकि इससे पहले बता दें, पार्टी कार्यक्रमों के से आजाद खेमा नदारत रहा था और ऐसे में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने बताया है कि राहुल वीरवार को जम्मू पहुंचेंगे और सीधे माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए वो वहां से निकल जाएंगे, जबकि अगले दिन वो जम्मू में ही पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और सीमित शिष्टमंडलों से रूबरू होंगे और इस दौरान राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना, अनुच्छेद 370 सहित कई अन्य मुद्दों पर राहुल बीजेपी को घेर सकते हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद का 10 सितंबर को पहुंचना प्रस्तावित है और ऐसे में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचकर पैदल मार्ग से
ही वापस नीचे पहुंचेंगे और ये उनकी श्रद्धा को भी दिखाता है कि किस तरह से वीवीआईपी होने के बावजूद भी वो पैदल ही भवन के लिए जाएंगे। और इसी दौरान बता दें राहुल गांधी यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के साथ अन्य लोगों से भी रूबरू हो सकते हैं। तो राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के आज दरबार पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद उनसे लेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 10 सितंबर और 11 सितंबर को लखनऊ में ही होंगी। बता दें दो दिवसीय प्रवास के दौरान वो पार्टी का संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगी और संगठनात्मक समीक्षा के साथ प्रियंका गांधी चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए भी पार्टी की राज्य चुनाव समिति और ऐसे में सलाहकार समिति के साथ बैठकें भी करेंगी। वहीं इससे पहले प्रियंका 3 दिवसीय प्रवास पर बीते 16 जुलाई को पहुंची थी लखनऊ और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मी अब तेज हो गई है। सत्ताधारी बीजेपी समेत कई राजनीतिक दल चुनाव में जीत के सूत्र तलाशने में जुटे हुए हैं। ऐसे में प्रियंका कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के साथ उन्हें गति देने की कोशिश भी करेंगी। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों का प्रशिक्षण देने के लिए भी कांग्रेस के प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम के जरिए वो कई जिलों के पार्टी पदाधिकारियों से रूबरू होने के साथ उनसे फीडबैक भी ले चुकी हैं। ऐसे में बता दें कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ दौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उनके आगमन के मद्देनजर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की और ऐसे में लखनऊ दौरे के दौरान वो विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा भी लेंगी। साथ ही साथ संगठन के कई नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगी और साथ ही बता दें कि अपने दौरे के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा संगठन की समीक्षा भी करेंगी और इस दौरे में वो पार्टी की राज्य चुनाव समिति और बाकी सलाहकार समिति के अलावा भी कई अन्य समितियों के साथ भी बैठकें करेंगी। तो ऐसे में अब चुनाव विधानसभा वाले होने वाले हैं, बहुत ही कम समय बचा है, तो ऐसे में अब सभी पार्टियां जो हैं वो पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं, अलर्ट हो गई हैं। इसीलिए अब 10 और 11 सितंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लखनऊ पहुंच रही है अपने 2 दिवसीय दौरे पर और तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं उनके दौरे को लेकर। उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर बता दें एक बड़ी बैठक होने जा रही है और ऐसे में बीजेपी मुख्यालय पर होने वाली ये बैठक काफ़ी अहम भी बताई जा रही है। बता दें बैठक उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में होगी और ऐसे में इस बैठक में संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं बता दें कि 11 बजे आज ये बैठक शुरू होगी जो शाम तक चलने वाली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों को देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण और अहम भी मानी जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 2022 चुनावों को देखते हुए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बता दें कि सपा बसपा कांग्रेस या फिर अन्य दलों की तो सभी चुनावों को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में प्रदेश भर में कई सियासी बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं तो कोई सियासी गणित बैठाने में जुटा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भी चुनावी समर को देखते हुए संगठन की मजबूती को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की 9 सितंबर यानी कि आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्ष में होने वाली इस बैठक में कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और इस बैठक को अहम भी इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। हाल ही में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति भी की है और ऐसे में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारियों की सूची भी जारी की है। इस लिहाज से कई बड़े फैसले इस बैठक में हो सकते हैं, इसलिए इस बैठक को काफी अहम और महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है। आज 11 बजे जो है ये बैठक होगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बुधवार को कहा गया है कि देश में अब तक लगाए गए कोविड 19 रोधी टीके की कुल खुराक 71 करोड़ को पार कर चुकी है। जी हां, बुधवार शाम 7 बजे तक जो है 73 लाख से ज्यादा करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड 19 की वैक्सीन दी जा चुकी है। और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भारत को 10 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े तक पहुंचने में 85 दिन और 20 करोड़ का टीका का आंकड़ा पार करने में 45 दिन और 30 करोड़ तक पहुंचने में 29 दिन का समय लग गया था। ऐसे में देश को 30 करोड़ खुराक से 40 करोड़ टीकाकरण तक पहुंचने में 24 दिन लगे और फिर 6 अगस्त को 50 करोड़ टीकाकरण को पार करने में 20 दिन का समय लगा। ऐसे में मंत्रालय ने कहा है कि 60 करोड़ के आंकड़े को पार करने में 19 दिन लगे और जबकि 8 सितंबर को 70 करोड़ तक पहुंचने में केवल 13 दिन लगे हैं। ऐसे में देश में सबसे संवेदनशील समूह को कोविड 19 से बचाने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और बता दें उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। ऐसे में देश में एक दिन में कोविड 19 के 37,875 नए मामले सामने आए हैं जबकि संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो चुकी है। जबकि आपको बता दें कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कम होकर 3,91,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार बताया था कि 370 लोगों की मरीजों की जान गंवाने से मृतकों की संख्या 4,41,411 हो चुकी है जबकि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 1.18% है। जबकि बता दें कोविड 19 से ठीक होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर जो है 97.48% है। यानी कि भारत हर रोज टीकाकरण के मामले में दिन पर दिन जो है रिकॉर्ड बना रहा है और ऐसे में एक बार फिर से रिकॉर्ड बना लिया है। 71 करोड़ लोगों को भारत में अब टीका जो है वो लग चुका है। हिंद महासागर में पैदा हुई मौसमी हलचल से इस बार राजधानी दिल्ली को सितंबर में भी जो है मौसम का लुप्त उठा रहे हैं। ऐसा कम ही होता है कि जब जुलाई या अगस्त के बाद सितंबर तक जो है लगातार बारिश दर्ज की जाए, लेकिन इसके लिए प्रमुख तौर पर हिंद महासागर में दो मौसमी परिस्थितियों को श्रेय दिया गया है। ऐसे में मौसम विभाग का पुनः अनुमान है कि अगले 10 दिन तक दिल्ली में लगातार बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस समय हिंद महासागर में दो मौसमी परिस्थितियां सक्रिय हैं और इनको हिंद महासागर में और बता दें जूलियन ऑसिलेशन में नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली समेत उत्तर भारत की मानसूनी बारिश को प्रभावित कर रही है। इससे समूचे उत्तर भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। वहीं आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रहेगा और ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पिछले सालों के मुकाबले नया रिकॉर्ड भी स्थापित हो सकता है। वहीं राष्ट्रीय मौसम पुनः अनुमान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार ने बताया है और उन्होंने कहा है कि वर्तमान में हिंद महासागर में महासागर द्विविध मेडेन जूलियन ऑसिलेशन को भी इसकी स्थितियां बन रही हैं। आमतौर पर ये स्थितियां जुलाई अगस्त तक ही बनी रहती हैं लेकिन इस बार ये दोनों एक साथ बन रही है और इसी वजह से इसका असर जो है वो सितंबर में भी देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में एमजीओ हिंद महासागर के ऊपर से गुजरने के साथ तीसरे और चौथे चरण के बीच है और आमतौर पर ये 8 चरणों में होता है। वहीं हिंद महासागर में इसके 10 से 12 दिन तक सक्रिय रहने की संभावना है। ऐसे में पूरे मध्य भारत में इसका असर दिख रहा है। वहीं 16 सितंबर के बाद एक बार फिर से अच्छी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें उत्तर प्रदेश के 36 जिलों के लिए भारी बारिश का पुनः अनुमान जारी किया है और इसमें से कानपुर, उन्नाव, कन्नौज और बांदा सहित 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश होती रहेगी और इस दौरान तेज रफ्तार हवाएं भी चलेगी। वहीं गरज और चमक के साथ कहीं कहीं पर
बिजली भी गिर सकती है। ऐसे में अनुमान के मुताबिक इस दौरान 7.6 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। वही बता दें कि ऐसे में अब उत्तर भारत और इसके सहित भी जो है यूपी के तमाम जिले हैं उसके लिए भी 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि यूपी के 36 जिलों में झमाझम बारिश जो है वो होती हुई नजर आएगी आने वाले कुछ दिनों में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने संयुक्त अरब अमीरात और बता दें ओमान में खेले जाने वाले 2021 T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जी हां, इसके अलावा बीसीसीआई ने 3 स्टैंड बॉय खिलाड़ियों को भी चुना है जो टीम इंडिया के साथ जाएंगे। वहीं बीसीसीआई ने पूर्व कप्तान MS धोनी को विश्व कप के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और बता दें मेंटोर नियुक्त किया है। ऐसा माना जा रहा है कि विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनने में धोनी की भी अहम भूमिका रही है। ऐसे में शिखर धवन और श्रेयस अय्यर को 15 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में हालांकि अय्यर को स्टैंड बाय खिलाड़ी में रखा गया है, जबकि इसके अलावा चोट की वजह से वॉशिंगटन सुंदर भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। हैरानी की बात यह है कि विश्व कप टीम में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को जगह नहीं दी गई है। बीसीसीआई ने यूएई की पिचों को ध्यान में रखते हुए स्पिन गेंदबाजों और स्पिन ऑलराउंडर को तवज्जो दी है और साथ ही अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को भी विश्व कप टीम में शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और राहुल चाहर भी इस टीम का हिस्सा हैं। साथ ही मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। बता दें कि भारतीय टीम T20 विश्व कप में अपना पहला मैच जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी और ये मैच 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और 3 नवम्बर को अफगानिस्तान और 5 नवम्बर को सुपर 12 में क्वालिफाई करने वाली टीम से भी भिड़ेगी। तो ऐसे में मैच जो है काफ़ी रोमांचक होने वाला है और साथ ही अब BCCI की तरफ से जो है ये टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को जो बतौर मेंटोर जो है वो नियुक्त किया गया है, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी गई है। हरतालिका तीज का व्रत इस बार 9 सितंबर यानी कि आज रखा जा रहा है। बता दें इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और ये व्रत जो है विवाहित महिलाओं के अलावा अविवाहित लड़कियां भी रखती हैं। ऐसे में कहा जाता है कि इस दिन निर्जला और निराहा व्रत किया जाता है और मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए रखा था। इस व्रत में पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता और व्रत रखने वाली महिलाएं अगले दिन जल ग्रहण करती हैं। वहीं मान्यता ये भी है कि अगर एक बार ये व्रत शुरू कर दिया जाए तो फिर इसे छोड़ा नहीं जा सकता और हर साल इस व्रत को विधि विधान के साथ रखना होता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन जो है सोना नहीं चाहिए और रात भर जागरण भी करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाली बता दें कुंवारी कन्या अच्छे वर को प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं, तो शादीशुदा महिलाएं जो हैं पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। तो ऐसे में हरतालिका तीज जो है उसका व्रत जो आज किया जा रहा है और ऐसे में विवाहित और अविवाहित लड़कियाँ भी इस व्रत को रखती हैं और इस दिन जो है काफ़ी कुछ किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, लेकिन इस दिन जो व्रत रखते हैं वो ना तो पानी ग्रहण कर सकते हैं और ना ही कुछ खा सकते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में धनौल्टी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रीतम पवार को फूलों का गुलदस्ता भेजकर बीजेपी में उनका स्वागत किया और ऐसे में बता दें वहीं सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी प्रमुख अनिल
बलूनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे थे। वहीं निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार ने बीजेपी के ज्वाइन करने पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता ने उनका पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि इससे बीजेपी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में और भी नेता बीजेपी का को ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं, तो ऐसे में प्रीतम पवार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। स्मृति ईरानी ने दिल्ली में उनको गुलदस्ता भेंट कर बीजेपी में उनका स्वागत किया है। बिल्कुल, प्रीतम सिंह पवार जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। प्रीतम सिंह पवार जी उत्तराखंड आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं और काफी समय से हमारे प्रदेश की राजनीति में रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं इस सरकार में, और उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नव योग सेवा समिति और सीसीआरवा एएन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की संयुक्त देखरेख में सूर्य नमस्कार देवभूमि परंपरा का अद्भुत उपहार विषय पर आयोजित वेबिनार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सूर्य नमस्कार भी किया। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति का शरीर निरोगी रहता है और घर में सुख शांति का वास बना रहता है। हम सूर्य नमस्कार के माध्यम से सूर्य उपासना कर निरोगी रह सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास से कई आसनाओं से मन और आत्मा सबल होते हैं। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति और सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेते हैं, तो ऐसे में उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा आसन सूर्य नमस्कार ही है। और मुख्यमंत्री ने बताया कि सूर्य नमस्कार के फायदे बताने के लिए प्रधानमंत्री ने ऐसे में योग की सीरीज भी शुरू की है, जिसमें वो सूर्य नमस्कार और करते हुए दिखाई देते हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री और धर्माचार्य प्रमुख स्नेह पाल जी और उप जिला अधिकारी तुषार सैनी भारत लोक शिक्षा परिषद रुद्रपुर चैप्टर के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, महामंत्री महेश मित्तल ने रैली को विधिवत हरी झंडी देकर शुभारंभ उसका किया। इस दौरान बता दें, केंद्रीय सहमंत्री स्नेह पाल ने कहा कि कोविड महामारी से जागरूकता और आवश्यक उपायों से रोका जा सकता है। ऐसे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश समाज के स्वास्थ्य पर इस महामारी को देखते हुए जो कारगर उपाय संभव हैं, वो उपाय युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में जिलाधिकारी तुषार सैनी ने लोगों से आह्वान किया कि वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से ज्यादा टीकाकरण कराएं और शत प्रतिशत टीकाकरण ही हमें और समाज को सुरक्षित रखेगा। हमारी को लेते हुए जो लोगों में जागरूकता कम है वैक्सीनेशन टीकाकरण को लेकर के, इसके केवल में हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। एकल परिवार और भारत शिक्षा परिषद संयुक्त रूप से जो है आयोजित कर रहा है और हम लोगों ने जन जागरण के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो टीकाकरण का आयोजन किया जा रहा है, एक रैली निकाली गई है एकल परिवार की तरफ से। इसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी को जो है वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करें और जो भी हमारे क्षेत्र बच गए हैं वैक्सीनेशन से, उनमें हमें हमारा लक्ष्य है कि उनको जल्दी से जल्दी 100% वैक्सीनेट किया जाए, इसी के संबंध में रैली निकाली गई है। दूसरा, हिमालय बचाओ जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए कि पॉलिथीन इत्यादि गैस से प्रदूषणकारी जो पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए।
सहारनपुर में नगर निगम द्वारा शहर में घूम रहे आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान जो है वो चलाया गया। बता दें कि इस अभियान को नगर निगम की एक स्पेशल टीम द्वारा चलाया गया। वहीं इस पूरे अभियान के तहत शहर के कई इलाकों में आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए जाल भी लगाए गए और इसके साथ ही नगर निगम के अधिकारियों ने जानवरों को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की। बता दें कि ये जो है सख्त कार्रवाई करने की बात भी नगर निगम की तरफ से कही गई है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।